ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप। माननीय सदस्य, और देखिए आप क्यों नहीं समझ रहे हो, साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई आप कहाँ बैठे मिलोगे? और दूसरे हमारे साथी हैं जो हमें लेकर के यहाँ लाए थे। माननीय सदस्य, हम यहाँ छूट गए, वो चले गए। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूँ जी हाँ, जो लंबे समय से मांग थी वन रैंक वन पेंशन की, किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहाँ पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूँ, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूँ। अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? खेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। कितने परमवीर चक्र कर रही हूँ, आपस में चर्चा ना करें। ये सभापति महोदय, ये सभापति महोदय जी जी, एक मिनट से भी कम मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं, मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 ग्रेजुएट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवा दे रहा हूँ। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी का साथ है। दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा दर्द मैं बताता हूँ। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय दर्द मैं बताता हूँ। बजट पर चर्चा करिए प्लीज, बजट पर सभापति जी दर्द मैं बताता हूँ। देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए, वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? जब सुनता हूँ सत्तापक्षी लोगों को तो मुझे वो लाइनें याद आ जाती कि वो झूठ बोल रहा था, बड़े सलीके से मैं एतवार न करता तो और क्या करता। हारे ही नहीं है आप, सीटें ही कम नहीं हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी बोर्ड से हारे हैं। जो कभी 5 लाख तक जीतना था जिन्हें, या 10 का टारगेट बनाया था, कितने से जीते? तो कम से कम इन चीजों को तो देखें। और आखिरी में मैं कहता हूं, चलते चलते आप 2 लाइनें कहता हूं, बुनियाद को नकार कर जो इमारतें उठाएंगे, हम भी देखते हैं वो किस मंजिल तक जाएंगे।